जब भी लोग डरे हुए होते हैं और जब वो मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, अपने शेयर्स लॉस में बेचना शुरू कर देते हैं, तो वॉरेन बफेट साहब का जो आपके सामने दिख रहे हैं, उनका एक बहुत बढ़िया फेमस कोट मुझे हमेशा याद आता है, बी फियरफुल वेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी वेन अदर्स आर फियरफुल। तो इसका सिंपल सा मतलब आपको पता ही है, ओके, कि जब लोग डरे हुए हो तो खरीदिए, और जब लोग ग्रीडी हो, लालची हुई हो, तब बेचिए। वही मार्केट में अभी होता हुआ नज़र आया है, जैसे कि आज मार्केट में हुआ है। तो मैं आपका बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में सब स्वागत करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज एक न्यूज़ आई, और न्यूज़ में आते साथ मार्केट में बहुत बड़ा धमाका हो गया, जो कि आपके सामने ही है। तो न्यूज़ क्या थी कि कोरोना वायरस, दोबारा एक नया कोरोना वायरस मिला है, मतलब जो कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर रहा था को एक कोरोना वायरस का एक नया मॉलिक्यूल टाइप मिला है, मतलब वो एक नया कोरोना वायरस कह सकते हैं, जिसके बारे में अभी तक रिसर्च भी नहीं हुई है, और अभी कुछ दिन में अब रिसर्च होगी तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली वही सेम कोरोना वायरस है या अलग कोई कोरोना वायरस है, क्या वो जो वैक्सीन बनाई गई है वो उसमें अप्लाई होगी या नहीं। तो इसी वजह से देखिए यूके में लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है, सारे सब कंट्रियों ने मोस्टली ने यूके से आना जाना बंद कर दिया, मतलब अपनी फ्लाइट्स को टेम्परेली सस्पेंड कर दिया। इंडिया ने 31 तारीख तक सस्पेंड कर दिया है, 31 ऑफ दिस मंथ, 31st ऑफ दिस मंथ। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से शेयर का फ़ायदा होगा, कौन से शेयर का फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि आपको पता ही है, बी फियरफुल वेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी वेन अदर्स आर फियरफुल। तो इस कोट के पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे पहले ये रीज़न है, देखिए मार्केट मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा, लगभग 3% एक ही, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर मार्केट इतनी गिरी कि सबका विसाद, लोग आधे लोगों का इतना लॉस हुआ। मैं देख रहा था, लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मुझे किसी, कोई कह रहा है मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, कोई कह रहा है मुझे 3 लाख का लॉस हो गया। अब जिसे लॉस हुआ है अच्छे वो कैसे रिकवर करेंगे, और जिन्हें प्रॉफिट हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आपको जैसे ही पता है, यहाँ पर एक डेटा आता है FIS और DIS का, तो ये अभी 18 का है, अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, ओके। ये डेटा जब अपडेट हो जाएगा तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, NSE की साइट पर जाइएगा, प्रोडक्ट पे क्लिक करिएगा, प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए FIS, FPI एंड DIS की ट्रेडिंग, तो यहाँ पर एक डेटा आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, मतलब यूरोप का जब मार्केट ओपन हुआ तो किस तरीके से उन्होंने बेचना शुरू किया, और बेचना जब शुरू किया तो मार्केट गिरती हुई नज़र आई। तो किन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, किन स्टॉक को लॉस होगा, उससे रिलेटिव बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, हम बात करेंगे किन स्टॉक्स को लॉस होगा। तो किन स्टॉक्स में आपको निकल जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे कि आपको पता ही है फ्लाइट्स बंद हो गई है 31 तारीख तक, तो इन स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। जैसे कि आज की डेट में देख सकते हैं कि लगभग 10% की गिरावट है इंडिगो में, इंटर ग्लोब एविएशन, मतलब 155 पॉइंट गिरता हुआ हमें नज़र आया है उसी दौरान जिस तरह मार्केट गिरी है, और ये और भी ज़्यादा गिरता अगर मार्केट क्लोज नहीं हुई होती। तो इस वजह से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें तो सीधा अपर सर्किट, इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 10% का, तो यहाँ पर भी 10 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। और कल की डेट में देखते हैं कि मार्केट में ये स्टॉक कैसे आपके रिएक्ट करते हैं, बट ये गिरते ही हुए शायद हमें नजर आएंगे, क्योंकि सस्पेंड कर दी गई है 31 तारीख तक यूके से फ्लाइट, ओके, एंड इंडिया में किस तरीके से इसे लेंगे, जैसे कि अभी तो बंद कर दिया है फ्लाइट, बट आगे क्या होगा, इंडिया में ज़्यादा सतर्कता बरतेंगे या नहीं बरतेंगे, उससे रिलेटेड हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा PVR, कहीं ना कहीं देखिए कोरोना की वजह से इनका भी बिजनेस ठप हुआ पड़ा है, 2000 का शेयर 1320 पे चल रहा है, और आज के दिन में देखिए इसी न्यूज़ की वजह से 8% की गिरावट होती हुई नज़र आई है, ओके, और ये और नीचे हुए जाता हुआ ही हमें नज़र आ रहा था। तो ये शेयर आपको दोबारा वही 1000 का जो लेवल था जहाँ पर से ये उठ के खड़ा हुआ था, तो उसी लेवल पर ये दोबारा हमें शायद विद इन दिस वीक हमें मिल जाए। इसके अलावा दूसरा शेयर इनॉक्स लेजर, ओके, आइनॉक्स लेजर, सॉरी, तो ये शेयर भी देखिए गिर के ऊपर उठा, बट कल देखते हैं कल क्या होता है। तो ये भी एक PVR से रिलेटेड है, सिनेमा से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही इस न्यूज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमारे इंडिया में इस तरीके से दोबारा कोई कोविड के केसेस बढ़े, जो कि घटते हुए नज़र आ रहे हैं हमें इंडिया में, जो कि अच्छी बात है अभी तक।
तो ये तो उनके शेयर जो घटते थे, जिनका लॉस का, जिन्हें हमें पोर्टफोलियो नज़र रखना चाहिए कि हम ऐसे शेयर्स को पोर्टफोलियो में ना रखें। बट ये शेयर जो है, अब मैं बताने जा रहा हूँ इन्हें क्यों रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, इसके पीछे रीज़न है। तो देखिए, इन्फोसिस, अभी आपको पता ही है, एसेंचर के आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं। एसेंचर इंडिया का, इंडिया नहीं सॉरी, वर्ल्ड का नंबर वन पे आईटी सेक्टर में आने वाली एक तरीके की कंपनी है। तो ये वो तो अमेरिकन कंपनी है, बट ये इंडियंस कंपनी है। तो इंडियंस कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए जब कोविड आया था मार्च में, तब भी इतना इफेक्ट इन शेयर्स पे नहीं पड़ा था। तो हमें लगता है कि आगे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईटी से रिलेटेड है और आईटी का काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इसलिए ये शेयर्स थोड़े बहुत देखिए गिरते हुए जरूर हमें नज़र आए थे। और आज ही इसने देखिए, अगर हम देखेंगे 52 वीक हाई, तो 1209 रुपये का आज के दिन ही यहाँ पर लगता हुआ हमें नज़र आया था। बट यहाँ पर हमें न्यूज़ आई तो यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई। बट आज हम कह सकते हैं कि ये शेयर, अभी देखिए रिजल्ट भी आने वाले हैं Q3 के, तो अच्छा परफॉर्मेंस तो ये कंपनियां करेंगी करेंगी, एज वेल एज इन शेयरों पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा होती है तो ये शेयर अपना काम जरूर करेंगे। बट गिरावट होती थोड़ी बहुत हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि इनका भी बिजनेस कहीं ना कहीं यूके अमेरिका से रिलेटेड होता है। इसके अलावा TCS की बात की जाए तो सेम हैपन, तो इन शेयर्स की तरफ आपको नज़रें बनानी है कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है। कंसल्टें अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट करके आप इन शेयर की तरफ ध्यान रख सकते हैं। तो TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसी तरीके से विप्रो हो गया जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक हो गया, ये बहुत बेहतरीन शेयर है। डेट फ्री कंपनी है, आईटी का एक दिग्गज, और L&T जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो उससे रिलेटेड है, तो आप इसे भी अपने रडार पे रख सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी यूनिलीवर, जब आपको पता है पेंडामिक हुआ था तो यहाँ पर चार्ट अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा क्योंकि नेट चला गया है। तो जब ये पेंडामिक हुआ था तो ये थोड़ा सा गिरा था, जहाँ पर शेयर 40 40 50 50 60 60% गिरे थे। तो ये शेयर मुश्किल से 10 से 20% गिरा था, और उसके बाद अगले ही महीने हमें ये 2600 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया था, जो इसका 52 वीक हाई आप देख रहे हैं, लगभग 2614 रुपये। उसके बाद ये करेक्ट होते होते 21 रुपये आया। देखिए आज गिरावट जरूर हुई है, क्योंकि देखिए जब मार्केट गिरते हैं सब शेयर गिरते हैं, बट ये वो शेयर है देखिए ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते पहली बात गिरने पर, और जब एक बार बढ़ना शुरू करते हैं तो यही शेयर है, क्योंकि FMCG से रिलेटेड है, आपके घर में ही बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो ये शेयर डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। लॉकडाउन की स्थिति आ जाए या कुछ भी आ जाए, युद्ध का माहौल हो जाए, कैसे भी हो जाए, ये शेयर थोड़ा बहुत गिरेंगे बट ये उसी तरीके से बढ़ेंगे। तो FMCG का सबसे बड़ा दिग्गज शेयर है HUL, तो इसकी तरफ आप नज़रें बना सकते हैं। इसके अलावा ITC भी आज गिरता हुआ नज़र आया है, बट ये शेयर आपको बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग डेट फ्री कंपनी है। तो इस शेयर की तरफ आप रडार पर नज़र बना के रखिए, रडार पे रखिए, ये शेयर भी आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा एक और दिग्गज शेयर ब्रिटानिया, ब्रिटानिया भी देखिए आज लगभग 107 पॉइंट गिरा है, बट इसे निकालना नहीं है। ये शेयर अगर आपको नीचे की लेवल पर मिलते हैं ना, ये जितने भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ आईटी और ये FMCG से रिलेटेड, तो बाय ऑन डिप्स करना है, बाय ऑन डिप्स करके अपने पोर्टफोलियो में रखना है, और फिर देखिएगा आगने वाले टाइम में किस तरीके के बेहतरीन रिटर्न ये आपको देते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा कुछ टाइम पहले ये शेयर मैंने आपको बताया था, जब ये 900 रुपये पर चल रहा था, इसके अलावा ये 1100 1200 भी टच हुआ था, बट तब से ही इसमें करेक्शन आती हुई हमें नज़र आ रही है। और अगर ये करेक्ट होके ये और नीचे मिलता है आपको, तो इस शेयर को जो उठाना मत भूलना, डेट फ्री कंपनी है, और जितने भी FMCG सेक्टर है सारे के सारे अपने प्रोडक्ट इसी कंपनी से बनाते हैं, तो इसे अपने रडार पे जरूर रखना। स्मॉल कैप कंपनी है, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, भागेगा बहुत तेज भागेगा, गिरेगा तो उसी तरीके से गिरता हुआ भी नजर आएगा। इन सभी शेयर से रिलेटेड वीडियो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उससे जाके एक बार देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया इन शेयर से रिलेटेड करते क्या है, क्या इनके बैलेंस शीट है, तो आपको नजर आ जाएगी। देखिए, और ये है फार्मा, फार्मा की कंपनी। तो फार्मा कंपनी देखिए मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ फार्मास की कंपनी को, बट फिर भी मैंने देखा है कि पिछले मार्च में जब पेंडेमिक हुआ था तो ये शेयर्स बहुत चले थे, और भी जो भी शेयर्स भागे हैं उनकी तरफ नज़रें बना सकते हैं। बट मैंने दो फार्मा के शेयर्स यहाँ पर अपनी तरफ से लिए। देखिए, एक तो ये शेयर है 332, ये लगभग 360 365 पे अभी चल रहा था, बट न्यूज़ आई तो ये गिरता हुआ नज़र आया। इसने अभी 1:5 का स्प्लिट भी किया था, बोनस दिया था, स्प्लिट किया था, मुझे
याद नहीं है। ओके, तो ये शेयर 1200-1300 रुपये पे चलता था और अभी स्प्लिट या फिर बोनस की वजह से, शायद बोनस दिया था तो बोनस की वजह से ये नीचे आया था ये शेयर। ओके, एंड बोनस ऑब्वियसली बात है, वो बोनस देगी कंपनी तो शेयर का प्राइस भी घट जाता है। तो ये इस लेवल पर दिखाई दे रहा है, बट इसने 300-400% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं विद इन दैट पर्टिकुलर पेंडामिक टाइम। तो इसकी तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं। एज वेल एज बात की जाए आरती ड्रग्स, एक इसने भी आपको 1:3 का बोनस दिया है। ओके, तो ये शेयर लगभग 3400-3500 रुपये और 4000 का लेवल टच करके आया है ये शेयर। तो इसकी तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं, ये शेयर भी बहुत बेहतरीन है और इनके Q3 के रिजल्ट्स भी शायद बहुत बेहतरीन आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने इनके मैनेजमेंट को सुना भी था। तो ये आरती ड्रग्स है, अच्छी कंपनी है, एपीआई से रिलेटेड काम करती है। एपीआई क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इन एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडियंट, मतलब सिर दर्द के लिए जो आप गोली लेते हैं उसमें जो सिर दर्द की को ख़त्म करने के लिए जो इंग्रीडियंट होता है ना, जो इसमें तत्व होता है, वो ये कंपनीज बनाती है, बहुत सारे एपीआईज में काम करती है। तो इस कंपनी को भी रडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं और इन सभी लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, तो उनसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और जब पेंडेमिक मार्केट गिर के और नीचे आ जाए मार्केट, शायद 1000-1500 पॉइंट्स की गिरावट हो सकती है, और जब ये गिरावट हो तो आप ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना बिफोर इन्वेस्टिंग। ये मेरा डिस्क्लेमर है आपके लिए। ओके, क्योंकि ये नॉलेज पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आप फ्री में डीमैट अकाउंट तो ओपन करा सकते हैं, 0 डिलीवरी चार्जेस है। आपको नीचे यहाँ पर लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।